जो मैंने लास्ट में पुदीना डाला था, बाप रे बाप क्या अच्छा टेस्ट आ रहा है उसका। गुड मॉर्निंग, आज नया दिन, करते हैं नई शुरुआत। नई शुरुआत जल्द सुबह है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि मेरी नींद जल्दी खुल जाती है। तो मैं थोड़ा अभी जस्ट आँख खोला, वो भी गर्म पानी पी रहा हूँ मेरा चिया सीड डाल के। तो कोई नहीं, मैंने बोला चलो इंट्रो शूट कर लूँ। और क्या आज का प्लान है वो बताते हैं। तो पीछे हमारा खाट खाट ठाक 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 आवाज़ आ रहा था, मैं सो गया था, मुझे लगा कोई क्रिकेट खेल रहा है क्या, प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब वो बॉल सॉक्स में बॉल डाल के। पर देखा तो ऐसा नहीं है, तो पीछे कुछ काम चल रहा है, सो थोड़ा तड़ी चालू, उसका ककड़ा की वजह से उठ गए थे। बट कोई नहीं, चलो माता जी हमारे गए बाहर कुछ लेने, एक बार वो आते फिर देखते हैं आज का क्या प्लान है और बताता हूँ मैं आपको, देख कर। और हाँ, सामने कुछ है, अब भी मेरा ध्यान गया, वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, जय गणपति बप्पा। तो अभी हो गई थी शाम और मैं निकला था, मेरा जो ग्लासेस है वो ग्लासेस मतलब टूट गए थे लास्ट टाइम, और वो एकदम नया ही था, दो चार बारी पहना था, और वो पता नहीं उसकी डंडी निकल गई थी। सो मैं आया था, सो मैंने बोला चलो बनवा लूँ, और एक ग्लास नया भी बनवाना है। तो मैं आया था, हमारे भाई हैं करण भाई, उनके वो बीच में रास्ते में मुझे मिल गए। सो मैंने बोला प्लीज़ मुझे ड्रॉप कर दो, कि यहाँ से चल के जाना पड़ता। सो यहाँ मेरडी माँ का मंदिर है, यहाँ पे मुझे ड्रॉप करेंगे और बाद में मैं आपको दर्शन कराता हूँ। आज मंगलवार भी है, मिलते हैं आगे जो भी रहे। देख, तो कर लिए थे दर्शन और अभी भीड़ थी आज, क्योंकि ट्यूसडे है, तो अभी यहाँ से थोड़ा ही दूर है मेरा जो यहाँ से यूजुअल में मेरे जितने भी यहाँ अभी तक देखे होंगे अपने चर्च में, ऑलमोस्ट सारे के सारे वहाँ पे ही बनाता हूँ। और बीच में ऐसा हुआ कि मैं मुंबई में, मतलब ये सेम स्पेक्स के लिए मैं गया था कि मुझे प्लीज़ बना के दो, वो जो मेरा फ्रेंड ही है, मैं मुंबई में पहले वहाँ से लेता था जब यहाँ का पता नहीं था। सो मुंबई में गया मैं और मैंने उसको बोला, तो उसने बोला भाई कितने सालों बाद है और कि ये कहाँ से लेता है अभी। मैंने बोला अंदाज से लेता है। बोले कितने का पड़ते हैं। मैं बोला मतलब एक एग्जांपल, अगर तुम 100 रुपीज़ लेते हो बराबर मेरे पास स्पेक्स के, तो मुझे ये 50 में पड़ता है। वो शौक हो गया, बोला कहाँ से लेते हैं, मेरे को लेके जब मैं ही बनवा देता हूँ। मैंने बोला ठीक है कोई नहीं। तो मैं यूजुअली अभी ऑलमोस्ट सारे मेरे पास 10-15 अभी है, और हमारे पिताजी इतने भड़कते हैं मेरे पे कि हर बार। तो अभी लिया मैंने यहाँ से दही खमण और फिर पातला रसा वाला पात्रा, पातला बोल लो पात्रा, पात्रा लिया। फिर लिया पूरी फरसान के लिए, माता जी ने बोला था लेके आना सब, क्योंकि मैं कुछ भी काम लेने मेरे लायक काम करने जाऊँ तो फिर माता जी का ऑर्डर होता है कि कुछ ना कुछ लेके ही आने का। सो कोई नहीं, तो मैंने 2 जोड़ी बनाने दे दिए स्पेक्स। तो हमारे पिताश्री थोड़े भड़केंगे बट कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा। और अभी जाता हूँ घर, अभी सोच रहा हूँ चल के जाऊँ कि टैक्सी में, टैक्सी कहाँ पे, रिक्शा में जाऊँ, तो रिक्शा मिलती है तो जाता हूँ और घर जाके मिलता हूँ आपको। देखो मॉर्निंग, सो आज ए कंटिन्यूएशन व्लॉग कल का, और नई नया दिन, करते हैं नई शुरुआत। और नई शुरुआत जो रही है थोड़ी दोपहर को, दोपहर को मतलब व्लॉग के लिए, क्योंकि मैं तो 8 बजे उठ गया था। सो कोई नहीं, और आज मेरा प्लान है, मेरे पास पनीर बहुत पड़ा था, अहमदाबाद मुंबई से मैं लेके आया था। सो मैंने बोला चलो आज पनीर बनाते, लास्ट टाइम बना था पर उससे कुछ डिफरेंट किया, मैंने गलती से वीडियो नहीं लिया और ग्रेवी मतलब जो मसाला होता है वो पहले ही प्रिपेयर कर दिया है, वो बताऊँगा बनाने के टाइम पे। तो एक बार टाइम आ जाए फिर बना दूँ पनीर और मैं आपको बताता हूँ। सो आज एक नई रेसिपी देख लो। हाँ, तो अभी कर रहा हूँ स्टार्ट, और पहले कढ़ाई धोली, और यहाँ पे हमारे माता जी का खाना बन रहा है कुकर में, क्या बोलते हैं उसका, रिंगना बटेटा, उनको ग्रीन रिंगना बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे कल बहुत सारे थे तो मैंने बोला चलो, उनको पनीर इतना नहीं पसंद, मेरे ग्रीन रिंगना इतना नहीं पसंद मेरे को, चलो मैंने बोला चलो पनीर पड़ा है तो सो उसे बना दूँ। सो अच्छा, तो ये है 200 ग्राम्स ऑफ पनीर, और इसे मैंने कट कर लिया क्यूब्स में, और अभी इसे करेंगे इस पर ऑयल डाल के थोड़ा कलरिंग कलरिंग बोल रहा हूँ मैं, बट मतलब इसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे, थोड़ा कलर आ जाए इसके वजह से। तो बता, तो अभी थोड़ा ऑयल डाल दिया था, अभी इसे थोड़ा स्प्रेड करेंगे।
और इसमें थोड़ा ये और थोड़ा नमक और थोड़ा रेड चिली और अभी इसे थोड़ा थोड़ा ऐसे करेंगे। एक बार ये हो जाए तो फिर पनीर के क्यूब्स डाल देंगे हम लोग। गैस स्लो ही है रखेंगे। अब इसे थोड़ा टॉस कर रहा हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी एक साइड से तो पनीर हो गया, सो उसे दूसरी साइड फ्लिप करेंगे ऐसे। अभी ये पनीर तो हो गया है और अभी इसमें क्या करेंगे पता है? ये मैंने एक ये ली है, इसके अंदर थोड़ा नमक डालूंगा बराबर मिक्स करके। ये जो पनीर मैंने लिया था ये वो सारा इसके अंदर डाल दूंगा पानी के अंदर और उसको थोड़े टाइम ऐसे ही उसके अंदर रहने दें। मैं डालूंगा थोड़ा ऑयल, मैं डालूंगा 4 लविंग, 4 काली मिर्च और एक ये तज पत्ता। अभी इसको थोड़े टाइम ऐसे, ये तेल उड़ेगा तो थोड़ा दूर रहने का। अभी इसके अंदर ऑनियन जो कि मैंने एकदम छोटे छोटे काट के डाले थे, इसको अभी एकदम ही रोस्ट होने देना है। थोड़ा लाल मिर्च, हल्दी और धाना जीरू ये डाल के थोड़ा मिक्स कर रहा हूँ और इसके बाद उसमें उसका जो मसाला मैंने बनाया था ग्रेवी वो डालूँगा। तो मैंने अभी जो ग्रेवी बनाई थी वो इसमें डाल रहा हूँ और इसको थोड़ा भुनेंगे जब तक कि पानी रिलीज ना हो। इसमें थोड़ा पानी डाल के ग्रेवी कर दिया मैंने और अभी थोड़ा ग्रेवी जैसे ही होगा थोड़ा गर्म तो इसमें पनीर डाल दूँगा और अभी इसमें थोड़ा पनीर डाल दिया। तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है, अभी ट्राई करता हूँ और बताता हूँ कैसा है। अभी ट्राई करता हूँ कि कैसा है। जो मैंने लास्ट में फुदीना डाला था, बाप रे बाप क्या अच्छा टेस्ट आ रहा है उसका। वाह, अभी हमेशा फुदीना डालूंगा एंड में। तो अभी खाता हूँ क्योंकि बहुत टेस्टी बना है और मिलता हूँ मैं आपको खाने के बाद। अभी हो गई है शाम, वो 6:30 बज गए और मैं जा रहा हूँ। अभी मैं गया था चश्मा लेने, हमारा दूसरे चश्मे तो ले लिए जो रिपेयर करने को दिए थे और मैंने जो बाहर तो गया था बट पता नहीं मेरे फ़ोन में जगह नहीं है फिर से उसकी वजह से मैं शूट कर रहा था और बीच में ही एंड हो जा रहा था। सो कोई नहीं, ये वीडियो जल्दी एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सियाराम, जय माता जी, हर 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 महादेव, शुभरात्रि। भाई अब्रप्टली एंड कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो जल्द एंड करके दूसरा वीडियो स्टार्ट करना है, सो उसके लिए जगह बचा रहा हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।